आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। वहीं आरजेडी के इस घोषणा पत्र को पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया है। बता दें कि इस परिवर्तन पत्र में सबसे बड़ा दावा सरकारी नौकरियों को लेकर किया गया है। पिछले बार भी लोग कहते थे हमारे चाचा कहां से लाएगा 10 लाख, देश भर के जितने अर्थशास्त्री थे कहते थे कहाँ से आएगा पैसा, हमारे चाचा तो कहते बाप के पास से पैसा लाएगा। और प्रधानमंत्री बनाने में हम लोगों की सहमति रही, तब जाकर के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री लोगों ने घोषणा किया। तो ये हम पे छोड़ दीजिए, जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे उनसे हमने संभव करवाया। हम लोग तो राहुल जी की बात को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी के परिवर्तन पत्र को जारी करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। वहीं आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरियां देने की बात कही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लोग और मजबूती से 70 लाख पद सृजन किया जा सकता है। कैसे करना है ये एक बड़ा सवाल है। पिछली बार भी लोग कहते थे, हमारे चाचा पूछते थे कि कैसे होगा, कहां से पैसा आएगा, लेकिन 17 महीने में 5 लाख नौकरी कैसे दे दी, ये हमने करके दिखाया है। और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आइए सुनते हैं। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है, जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जिससे बिहार देश के हमारी जनता का भला कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। देश में 15 अगस्त आने वाला, जो 15 अगस्त है, आपको बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला जो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लाए, यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक एक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी, मेरा मानना अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लोग और मजबूती के साथ 70 लाख पद सृजन जो है किया जा सकता है। कैसे, ये बड़ा सवाल होगा। पिछले बार भी लोग कहते थे हमारे चाचा कहाँ से लाएगा 10 लाख, देश भर के जितने अर्थशास्त्री थे कहते थे कहाँ से आएगा पैसा, कैसे होगा, तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी कैसे दे दिए भाई। पहली बात, हमारे चाचा तो कहते बाप के पास से पैसा लेगा, और आज तो कहते हैं कि हम ही ने किया। अच्छी बात है, आपने क्या, आप मुख्यमंत्री थे तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो मेरे मुंह से सुने। तो 30 लाख जो कांग्रेस ने किया है वो केवल रिक्त पदे हैं, और जब हम लोगों ने बिहार में किया था तो 4.5 लाख पद रिक्त थी,
4.5 लाख। तो हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके ये किया है कि हर साल जो है बहुत लोग रिटायर होते हैं, और सुन लीजिए, 10 सालों में मोदी जी ने रेलवे हो या सेना हो, सबसे ज़्यादा जो बहालियाँ निकलती थी, इस बार 10 साल में कितना बहाली निकला? कोई बहाली नहीं निकला। तो हम लोग देखिए, दिल्ली में मैटर्स करता है नंबर। अगर नंबर जनता हमको ताकत देगी, वही तो कह रहे हैं। अरे भाई, आगे हमारे को 24 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 24-25 सीट पे। झारखंड का भी क्लियर हो जाएगा, बिहार में 23 सीट, झारखंड में 2 सीट हम लोगों की मांग है। लेकिन अगर हम 25 सीट पे भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो 25 MP हमारे जीत के जाएंगे, तो हम लोग काम करेंगे। UPA 1 में हम लोगों ने करके दिखाया, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी 2004 में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के बाद, और प्रधानमंत्री बनाने में हम लोगों की सहमति रही, तब जाकर के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री लोगों ने घोषणा किया। तो ये हम पे छोड़ दीजिए, जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे उनसे हमने संभव करवाया। अब लोग तो चाहते हैं नौकरियां मिले, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं हर जगह, तो हम लोग तो राहुल जी की बात को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके हाथ को ही हम लोग मजबूत कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। तो उसकी चिंता आप ना करें, हम सरकार के पार्ट होंगे तो इस काम को करेंगे। अरे भाई, डिप्टी CM ही ना थे हम, कौन सा मुख्यमंत्री थे, किए ना। सारा मानदेव आंगनबाड़ी का हो, तालमी मरकज का हो, टोला सेवक का हो, विकास मित्र का हो, सबके मानदेव को बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, जाकर के मेरा पत्र पढ़िए 2020 का, जो जो कहे हैं उसका काम देखिए, हुआ कि नहीं हुआ, वो हमारी जिम्मेवारी है, हम लोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।